बरसो रे मेघा बरसो। मैं कर रही हूँ पालमपुर की बारिश का फुल एंजॉय। ओ भैया क्या बना रहे हो? भूख लग रही है क्या? अच्छा खिला रहे हो? डोसा और पॉपी और पिंगल। पोपट होए जाबो मारा, पोपट होए जाबो। अच्छा भाई आगे, हमें आगे उतार रहे प्रॉपर DDLJ वाला सीन हो चुका था। मतलब मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द ही होगी। भैया बोलते आओ आओ, हम बोलते रोको, आए। हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पक्की पहाड़न प्रेम दाराज। नया दिन नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कैसा मौसम है इस समय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो रही है बहुत ही ज्यादा बारिश। सुबह 5 बजे से यहाँ पर पूरा बारिश का माहौल बन चुका है और बादल भी गरज रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बारिश और तूफान में कहाँ इतने रेडी होके जा रही हूँ। जैसे ही मैं सुबह सो के उठी तो पलक का पता नहीं आज क्या हो गया, पलक बोलती कि मुझे आज ही, बस आज के दिन ही मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज जाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि है टांडा में, जिसके बारे में मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल भी है जहाँ पर दूर दूर से लोग अपना इलाज करने के लिए आते हैं, साथ साथ में वो एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं। अब पता नहीं पलक का था कि आज ही जाना, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, पर हम आज जाके ही रहेंगे। अब ये तो पता नहीं, देखिए मेरे पीछे पूरा यहाँ पर कैसा मौसम हो चुका है, बट फिर भी हमने पूरी हिम्मत कर ली है। और यहाँ पर सच बताऊँ ना दोस्तों कि बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, कि मतलब इतनी ज्यादा ठंड है कि सोचिए यहाँ पर पालमपुर में वैसे तो गर्मी होती है, फिर भी मुझे जैकेट वगैरह पहन के जाना पड़ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बिना किसी देरी के, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैंने ले लिया है छाता, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ही ज्यादा बारिश। और ये देखिए यहाँ पर आंगन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हम गाड़ी होते हुए भी हम आज बस में जाएंगे। पलक ओ पलक, पलट पलक, हेलो कर दो। वैसे पलक आज क्या हो गया था तुझे, कि मतलब सुबह सुबह की भाई आज आंधी हो तूफान हो, कि आज जाना ही जाना है? भाई मुझे नहीं, पर भाई है कि अपना ख्याल तो रखनी चाहिए, अपना केयर तो करना ही चाहिए। पर दोस्तों मौसम तो ऐसा हो गया है जैसे कि बताने अब तूफान आ ही जाएगा, बादल भी गरज रहे हैं बहुत जोर जोर से। दोस्तों पलक इतनी बुरी है ना, पलक ने पता क्या किया, मैंने पहले ये वाला छाता लिया था तो पलक मुझे बोलती तू ये वाला छाता ले ले क्योंकि ये विपुल का है। तो विपुल अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो देखो मैंने तुम्हारा छाता लिया हुआ है आज पर अभी जल्दी जाना, अभी हमने ऊपर जाना। आज तो पता नहीं कितनी सारी बसेस चेंज करनी है हमने, है ना पलक? कितनी भी नहीं करेंगे, टोटल कितनी करेंगे? दो तीन चार पाँच, दो तीन, दो ठीक है। बरसो रे मेघा बरसो। मैं कर रही हूँ पालमपुर की बारिश का फुल एंजॉय। आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों फाइनली 15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी बस आ चुकी है। ये देखिए गाड़ी के पीछे, इस गाड़ी के पीछे हमारी बस आ गई है, आद्विक बस। तो अब हम इसमें जाएंगे। चलो पलक। Two hours later. चलो पलक, उतरो। आया पलको, आया। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकेंड बस, इसके पीछे तो हम ऐसे भागे हैं ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि हम कैसे भागे इस बस के लिए। फिलहाल अभी हम यहाँ से ऑटो देखते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से एक ऑटो देख रहे हैं भाग भाग, बस इतनी जो कि भैया भी हमें देख रहे हैं कि कोई तो आए। और वैसे अभी बारिश हल्की हल्की सी रुक चुकी है। भैया टांडा मेडिकल कॉलेज, चलो जी अब हम बैठेंगे। ललला चलो, हमारे साथ एक और सवारी जुड़ चुके हैं आंटी जी। आप ही जा रहे हैं टांडा? भैया यहाँ से कितनी दूर है ये टांडा मेडिकल? 2-2.5 किलोमीटर। अच्छा, वापसी में भी मिलेगा हमें ऑटो की गाड़ी, बस ऑटो?
ये पालमपुर में बारिश के मजे लेते हुए और बारिश में हम लोग हॉस्पिटल जाते हुए इसको लगी थी आज की आज ही जाना है चाहे आंधी हो तूफान हो, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी तो मौसम, क्योंकि अभी बारिश रुक चुकी है वैसे तो। दोस्तों ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल टांडा का मेन एंट्रेंस गेट, काफी बड़ा कैंपस है ये, मौसम का पता ही नहीं चल रहा है। अब फिर से बारिश शुरू हो गई, अभी थोड़ी देर पहले तो हल्की हल्की सी बारिश रुक चुकी थी, तो बस भैया ने हमें उतार दिया है, सॉरी भैया अभी हमें उतार रहे हैं यहाँ पे गेट पे, और अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर। अच्छा यहाँ से नहीं, अच्छा भैया आगे हमें आगे उतार रहे नहीं क्योंकि मैं पता जितनी बार भी आई हूँ ना तो मैं यही हूँ। अच्छा वो आगे है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मेन कन्फ्यूजन मतलब मैं ही कन्फ्यूजन में हूँ। अच्छा ये है हमारी एंट्रेंस, यहाँ उतारेंगे हमें भैया, यहाँ से जाएंगे हम अंदर। राइड विद प्राइड। ये लो भैया, कितने हुआ हमारे, 50 हुए, अच्छा 40, थैंक यू, ओहो ठीक है भैया थैंक यू। दोस्तों ये जो टांडा हॉस्पिटल है ये इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर लोग अपना इलाज करने के लिए आते हैं। और दोस्तों यहाँ का कैंपस देखिए कितना सुंदर है और काफ़ी हाइजीनिक है, तो ये देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली पलक अभी फ्री हो चुकी है, अभी हम वहाँ से वापस निकल के फिर से हम त्रुंजामिल पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों मुझे आपको एक बात बतानी थी कि जो हमने सेकंड बस ली ना उसमें हमारे साथ खपी होगी, क्योंकि जैसे ही हम पालमपुर पहुंचे तो मतलब टांडा के लिए बस लगी हुई थी, मतलब कांगड़ा के लिए बस लगी हुई थी, तो जो भैया थे वो कंडक्टर भैया जो थे वो बोलते जल्दी आओ, हम बोलते रुको बस रोको, मतलब प्रॉपर DDLJ वाला सीन हो चुका था, मतलब मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द ही होगी, भैया बोलते आओ, हम बोलते रोको, आए। चलिए दोस्तों ये था जो थोड़ा पूरा हंसी मजाक, बट अगर आप भी अगर जैसे टांडा हॉस्पिटल आना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पालमपुर से बस लेंगे आप लोग कांगड़ा के लिए और उसके बाद एक यहाँ पर स्टेशन आना। एक्चुअली मैं ना दोस्तों ये देखिए सड़क के साथ ही यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि त्रुंजामिल एक स्टेशन है वहाँ पर उतर सकते हैं जिसे 53 माइल भी बोलते हैं, तो वहाँ से आप लोग यहाँ से ऑटो ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा हमने ऑटो लिया, फिर आप अंदर मतलब ये कि बहुत ज़्यादा रश होता है दोस्तों वैसे तो वहाँ पे, बट बाई मतलब भगवान की दुआ से बोल सकते हैं कि हम आज जल्दी फ्री हो चुके थे। तो बस अभी हम यहाँ पर फिर से वेट कर रहे हैं बस का, अब हम फिर से ले रहे हैं पालमपुर के लिए बस, फिर थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि अब हो रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे सामने अभी बस लगी हुई है पालमपुर के लिए, बट जो ये महान आत्मा है ना दोस्तों ये कह रही है कि हम इस बस में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसके पीछे गवर्नमेंट बस आने वाली है, एक तो गवर्नमेंट बस बहुत फास्ट पहुंचाएगी, दूसरा हम भाई जो गवर्नमेंट हमारे को इतना वुमेन कंसेशन दे रही है उसका तो हम प्रॉपर फायदा उठाएंगे ना पलक तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट बस का। A few minutes later. पालमपुर जाएंगे। पोपट होए जाबो मारा पोपट होए जाबो। दोस्तों मेरे और पलक के साथ एक खप्पी हो चुकी है जिस चीज़ के लिए हमने इस प्राइवेट बस को छोड़ा था, क्योंकि आते वक्त हमारा लगा था किराया सिर्फ 70 रुपीज़, बट इस बस में हमें कोई वुमेन कंसेशन नहीं मिला, इसमें हमारा पूरा 136 रुपीज़ लगे, बट चलिए कोई नहीं हमारा टाइम तो बच गया, हमने जो प्राइवेट बस है उसे ओवरटेक कर लिया। तो दोस्तों फाइनली अभी हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि हमें नॉर्थ इंडिया में आ रही है साउथ इंडिया की याद, तो हमने कुछ साउथ इंडियन ही मंगाया है, मसाला डोसा। ओ भैया क्या बना रहे हो, भूख लग रही है, क्या अच्छा खिला रहे हो, डोसा और कॉफी और स्प्रिंग रोल। दोस्तों मुझे लग रहा है ना सच में, क्योंकि आज हम दिन भर इतना ज्यादा बस, मतलब मेरे को लग रहा है हमने तो कितनी 6-7 बसें चेंज कर दी आज पूरे दिन में, तो बस इसमें घूम घूम के ना मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग ही घूम गया। अब बस ये कि जल्दी से हमारा खाना आ जाए ताकि जल्दी से हम घर पहुंचे और अपने जो ब्लॉग है इसकी हम अच्छे से क्लोजिंग कर दें। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है कॉफ़ी डोसा, जो कि पलक ने थोड़ा सा खा भी लिया है, इससे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और हमारे स्प्रिंग रोल, और ये देखिए कितना क्यूट है, ये बहुत ही सुंदर बनाया है, मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो बस जल्दी से अब खा लेते हैं, वेट नहीं हो रहा। One hour later. तो दोस्तों फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं, पूरा दिन आज इतनी थकान थी ना दोस्तों, और ऊपर से ये मौसम, अब देखिए दोस्तों कितनी खिलखिलाती धूप है,
मतलब दिन में आज मौसम ने बहुत बार रंग बदले। देखो जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले तूफान था, आंधी थी और एकदम से बहुत ज्यादा बारिश चलनी शुरू हो गई। उसके बाद बारिश रुक गई, फिर धूप आ गई, फिर धूप और बारिश, अब फाइनली फिर से धूप। मतलब मौसम ने तो आज ऐसे मौसम ने आज ऐसे रंग बदल दिया, मतलब ऐसे जादू किया, एक चुटकी बजाते हुए जादू कर दिया। तो चलिए जो भी है, अब मौसम के ऊपर तो क्या ही बोलते, मौसम का तो काम ही है बदलना। तो बाकी दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ओ भाई यहाँ गिर गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज पक्की पहाड़म प्रियंगा राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय दोस्तों, आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।